नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक SBI ने अपने सर्विस चार्जेस में कई सारे बड़े बदलाव किए हैं, जो कि अगर आप लोग एक SBI के कस्टमर हैं तो आप लोग को इन चार्जेस के बारे में जरूर जानना चाहिए। जैसे कि महीने में कितनी बार आप लोग चेकबुक का इस्तेमाल, कितने चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ ही कितना आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नेफ्ट, RTGS, ATM का इस्तेमाल, और इसके साथ ही और सही कई सारे जो आप लोग सर्विस लिए हैं उनके चार्जेस में कई सारे बड़े बदलाव किए गए। तो दोस्तों, वीडियो पूरा आप लोग एंड तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल के साथ इन चार्ज सर्विस चार्जेस के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के साथ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों, अपने सभी जाने वालों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये सारे जो चेंजेस किए गए हैं वो 1 अक्टूबर 2019 से लागू होंगे। अभी सितंबर चल रहा है, मतलब कि 1 महीने बाद 1 अक्टूबर 2019 से ये सारे चेंजेस लागू हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो चेंजेस किया गया वो चेकबुक को लेकर है। तो अगर आप लोग का SBI में सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट के सभी सेगमेंट में, मतलब कि जैसे कि आपका जनधन अकाउंट हो, जीरो बैलेंस अकाउंट हो, या फिर सीनियर सिटीजन अकाउंट हो, या फिर अंडर 18 अकाउंट हो, तो उसमें सभी सेगमेंट में आप लोग को पहला 10 चेक फ्री रहेगा। और जो इसका टाइम पीरियड है, एक फाइनेंशियल ईयर है, मतलब कि 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच में आप लोग को 10 चेक फ्री रहेंगे। उसके बाद अगर आप लोग 10 पेज का चेक इशू करवाते हैं तो आप लोग को पर चेक बुक ₹40 अतिरिक्त शुल्क चुकाने पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर आप लोग 25 पेज का चेक बुक इशू करवाते हैं तो आप लोग को ₹75 प्लस GST आप लोग को अतिरिक्त शुल्क चुकाने पड़ेंगे। वहीं अगर आप लोग कोई इमरजेंसी चेक बुक इशू करवाते हैं तो आप लोग को ₹50 प्लस GST आप लोग को चुकाने पड़ेंगे अतिरिक्त शुल्क। इसके साथ ही अगर आप लोग का SBI में करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में भी कई प्रकार के अकाउंट है, जिसमें अलग अलग प्रकार के करंट अकाउंट में अलग अलग चार्जेस हैं। तो करंट अकाउंट में अगर आप लोग का पी सेगमेंट करंट अकाउंट है तो आप लोगों को एक फाइनेंशियल ईयर में 50 चेक आप लोगों को फ्री रहेंगे। उसके बाद अगर आप लोग कोई चेक यूज करते हैं तो आप लोगों को पर चेक ₹3 प्लस GST आप लोगों को अतिरिक्त शुल्क चुकाने पड़ेंगे। लेकिन अगर वहीं आप लोग का करंट अकाउंट में पावर पैक अकाउंट है तो आप लोगों को मंथली 1000 चेक फ्री रहेंगे। और उसके साथ अगर आप लोग अतिरिक्त चेक यूज करते हैं तो आप लोगों को ₹3 प्लस GST आप लोगों को अतिरिक्त शुल्क चुकाने पड़ेंगे। वहीं अगर आप लोग का करंट अकाउंट में पावर बेस अकाउंट है तो आप लोगों को एक फाइनेंशियल ईयर में 50 चेक फ्री रहेंगे। उसके बाद भी अगर आप लोग चेक यूज करते हैं तो पर चेक पे आप लोगों को ₹3 प्लस GST अतिरिक्त शुल्क चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग का करंट अकाउंट में पावर गेन अकाउंट है तो इसमें आप लोग को 50 चेक मंथली फ्री रहेंगे। उसके बाद फिर पर चेक पे ₹3 प्लस GST आप लोग को अतिरिक्त शुल्क चुकाने पड़ेंगे। रेगुलर करंट अकाउंट अगर आप लोग का SBI में है तो आप लोग को 50 चेक मंथली फ्री रहेंगे। इसके बाद में अगर पर चेक पे ₹3 प्लस GST आप लोग को अतिरिक्त शुल्क देने पड़ेंगे। इसके साथ अगर आप लोग का गोल्ड करंट अकाउंट है तो इसमें आप लोग को 300 चेक महीने में फ्री रहेंगे। इसके साथ ही अगर आप लोग अतिरिक्त 300 के अलावा कोई चेक यूज करते हैं तो फिर आप लोग को ₹3 प्लस GST अतिरिक्त शुल्क चुकाने पड़ेंगे। अगर आप लोग का डायमंड करंट अकाउंट है तो इसमें आप लोग को मंथली 700 चेक फ्री रहेंगे। इसके बाद फिर अगर यूज करते हैं तो पर चेक आप लोग को ₹3 प्लस GST चुकाने पड़ेंगे। इसके साथ अगर आप लोग का SBI में प्लेटिनम करंट अकाउंट है तो इसमें आप लोग को कोई भी अतिरिक्त शुल्क चुकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लेटिनम करंट अकाउंट में आप लोग को अनलिमिटेड चेक फ्री मिल रहा है। इसके साथ ही अगर आप लोग का SBI में सीनियर सिटीजन अकाउंट है, चाहे वो फिर करंट में हो या फिर सेविंग में है, तो आप लोग को जो चेकबुक यूज करने की जो संख्या दी गई है वो भी अनलिमिटेड यानी कि फ्री है। इसके साथ ही अगर आप लोग का SBI में सैलरी अकाउंट है तो फिर आप लोग को उसमें भी अनलिमिटेड चेक यूज करने का परमिशन दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग अपना कोई भी पेमेंट स्टॉप करवाते हैं तो फिर उसके ऊपर कितना चार्जेस लगता है। जैसे कि अगर आपने कोई DD बनवाई हो, वो खो गई हो, तो उसका पेमेंट आप स्टॉप करवाना चाहते हैं, नेफ्ट करवाने गए तो उसका पेमेंट आप स्टॉप करवाना चाहते हैं, तो इसमें आप लोग को सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और CC यानी कि कैश क्रेडिट अकाउंट पे अगर आप लोग अपना स्टॉप पेमेंट करवाते हैं तो आप लोगों को ₹100 प्लस GST आप लोग को अतिरिक्त शुल्क चुकाने पड़ेंगे। दोस्तों, ये तो हो गई चेकबुक और स्टॉप पेमेंट की बात। अब मैं आप लोग को बता दूं कि एवरेज मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने पर आप लोग के ऊपर कितना चार्जेस लग सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट के बारे
बारे में, तो सेविंग अकाउंट में भी तीन प्रकार के सेगमेंट दिए गए हैं। अगर आप लोग का अकाउंट किसी मेट्रो सिटी में तो और उसमें आप लोग अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आप लोग के ऊपर 10 से 15 रुपए का चार्जेस लग सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग का अकाउंट सेमी अर्बन एरिया में तो आप लोग के ऊपर 7.5 से लेकर 12 रुपए प्लस GST आप लोग को चार्जेस देने पड़ सकते हैं मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने पर। इसके साथ ही अगर आप लोग अगर रूरल एरिया में आप लोग का अकाउंट है तो इसमें आप लोग को 5 से 10 रुपए प्लस GST आप लोग को अतिरिक्त शुल्क चुकाने पड़ जाएंगे। दोस्तों सेविंग अकाउंट में एवरेज मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, चाहे वो मेट्रो सिटी में हो, अर्बन में हो या फिर रूरल एरिया में हो, इन सब के बारे में मैंने एक पूरे डिटेल से वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग का अकाउंट SBI में रेगुलर सेविंग अकाउंट है तो फिर आप लोग को मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना होगा। अगर आप लोग का अकाउंट करंट अकाउंट है तो उसमें आप लोग को कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, करंट अकाउंट में आप लोग को 500 रुपए प्लस GST चार्जेस लगेंगे अगर आप लोग अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो। दोस्तों करंट अकाउंट में भी कई प्रकार के अकाउंट होते हैं, उस सभी के बारे में मैं डिटेल से वीडियो कल बना के आपको बता दूंगा कि इन सारे करंट अकाउंट के सेगमेंट में अलग अलग प्रकार के अलग अलग अकाउंट में कितने आप लोग को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, प्लस आप लोग को अगर मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं तो कितने चार्जेस लगेंगे। इसके साथ अगर आप लोग SBI से कैश क्रेडिट अकाउंट है या फिर कोई OD अकाउंट लेते हैं तो अगर आप लोग 25,000 रुपये से ज़्यादा का OD या फिर CC अकाउंट लेते हैं तो आप लोग को 550 रुपये प्लस GST अतिरिक्त शुल्क चुकाने पड़ जाएंगे। इसके साथ अगर आप लोग ATM कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं या फिर न्यू अकाउंट ओपन करते समय वेलकम किट के लिए अप्लाई किए हैं और वो आपके एड्रेस पे नहीं पहुंच पाता है, मतलब कि आपने कोई रॉन्ग एड्रेस दिया, तो आप लोगों को 100 रुपये प्लस GST अतिरिक्त शुल्क चुकाने पड़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप लोग चेकबुक या फिर ATM कार्ड के लिए या वेलकम किट के लिए अप्लाई करें तो अपना एड्रेस जो है वो सही एप्लीकेशन में लिखें। दोस्तों अब मैं आप लोग को बता दूं कि नेफ्ट और RTGS करने पे कितने चार्जेस आप लोग के ऊपर लगने वाले हैं। तो अगर आप लोग नेफ्ट और RTGS ऑनलाइन बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग या फिर योनो ऐप से करते हैं तो आप लोग के ऊपर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही अगर आप लोग ब्रांच जाकर करते हैं, नेफ्ट करते हैं, तो आप लोग के ऊपर 2 रुपये से लेकर 20 रुपये प्लस GST आप लोग के ऊपर अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग RTGS ब्रांच से जाकर करते हैं तो आप लोग के ऊपर 20 रुपये से लेकर 40 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क आप लोग को चुकाने पड़ सकते हैं। दोस्तों ये नेफ्ट और RTGS करने पे जो चार्जेस लग रहे हैं ये वेरी करता है कि अलग अलग ट्रांजेक्शन पे अलग अलग अमाउंट पे, तो फिर आप लोग जितने भी अमाउंट का नेफ्ट और RTGS अगर ब्रांच से करने जा रहे हैं तो फिर आप लोग बैंक के अधिकारी से पूछ लेंगे कितना चार्जेस लग रहे हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल करने पे भी कई तरीके के चार्जेस लग रहे हैं, जिनके बारे में मैं आप लोग को एक अलग वीडियो बनाकर बता दूंगा क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। इसके साथ ही अगर आपने SBI से डोर स्टेप फैसिलिटी ली हुई है तो इसमें आप लोग को नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप लोग के ऊपर 60 रुपये प्लस GST आप लोग को अतिरिक्त चार्जेस ले जाएंगे। अगर आप लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप लोग के ऊपर 100 रुपये प्लस GST आप लोग के ऊपर अतिरिक्त चार्ज ले जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन जैसे कि नेफ्ट RTGS या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप लोग भीम UPI के जरिए करते हैं तो इसमें आप लोग को अतिरिक्त कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों इन सारे सर्विस चार्जेस को देखने के बाद तो यही लगता है कि SBI ऑनलाइन बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए ये सारे चार्जेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर UPI के जरिए आप लोग अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप लोग के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन अतिरिक्त चार्जेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग ब्रांच जाकर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें और जो पहले से चार्जेस है उसको और डबल कर दिया गया है। दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसका सर्कुलर पढ़ सकते हैं या फिर उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहां से भी जाकर आप बड़े आसानी से इन सारे सर्विस चार्जेस के बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों, अपने सभी जानने वाले, अपने सभी फैमिली फ्रेंड के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। इसके साथ आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।